عليكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चे जरा मुझे कंफर्म करते हैं बेटा आवाज ठीक आ रही है क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि जबरदस्त बेस्ट हो गया नहीं बेटा बोर्ड की पिक्चर आपको क्लियर नजर आएगी आप टेंशन ना लें शर भी तो बेटा थोड़ा सा रीकैप करते हैं जो हमने अब तक डिस्कस किया और उसके बाद अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं हैंडआउट सबने ले लिया था फोटोकॉपीर से बेटा कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसके पास हैंडआउट ना हो कितने बच्चे ऐसे हैं जिसके पास हैंडआउट नहीं है फोटोकॉपीर से ले लेना बेटा ठीक है वही बात तो बेटा हमने अपने कैप 6 के डिस्कशन का आगाज किया था टैक्स के वर्ड से हमने देखा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है फिर हम इनकम के लफ्ज पर आए और इनकम के लफ्ज को हमने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि इनकम से क्या मुराद है इनकम में क्या चीजें आती हैं हमने पहले अपने दिल और दिमाग से पूछा तो दिल ने कहा कि जो रिसीट हो वो इनकम है जो रिसीट हो वो इनकम है लेकिन फिर थोड़ा सा मजीद गौर किया तो हमने कहा ऐसा कहेंगे तो ज्यादती हो जाएगी क्योंकि किसी से लोन भी तो लेते हैं वो भी तो रिसीट है वो भी तो इनफ्लो है क्या वो इनकम है नहीं हमने कहा हर जेब में आने वाला पैसा रोकड़ा इनकम नहीं है हमने कहा फिर कैसे एस्टैब्लिश करें क्या इनकम है क्या नहीं है हमने कहा पहले दिल की सुनते हैं उसके बाद हमने दिल की बातें सुनी और कुछ इनकम लिस्ट डाउन कर ली हमने सैलरी इनकम रेंटल इनकम बिजनेस इनकम जो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में आती रहती है फिर हमने कहा कि सर बर्थडे पार्टी पर मिलने वाले गिफ्ट दिल नहीं मान रहा है उसको इनकम कहने को इनहेरिटेंस पर मिलने वाली अमाउंट को दिल नहीं मान रहा इनकम कहने को हमने कहा चलो ठीक है जिसको दिल मानता उसको कह दो रेवेन्यू रिसीट जिसको दिल नहीं मानता उसको कह दो कैपिटल रिसीट तो हमने लिखा रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस specifically exempt under the ordinance और हमने कहा capital receipt is not income unless specifically taxed as deemed income फिर हमने कुछ examples देखी कि deemed income की examples क्या हैं और exempt income की examples क्या हैं क्या सबको ये बातें याद है आगे चले हमने कहा कि अब कोई criteria establish करते हैं कोई framework establish करते हैं ordinance में income की definition में तो वो framework established नहीं है लेकिन पास्ट केसेस की बेसिस के ऊपर डिसीशंस की बेसिस के ऊपर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के डिसीशन की बेसिस के ऊपर हमारे पास एक फ्रेमवर्क आता है कि जिसकी बेसिस पर हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि व्हाट इज इनकम तो हमने कहा रिसीट में भी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज विद एक्टिविटी विदाउट एक्टिविटी विद एक्टिविटी में इनकम जनरेटिंग नॉन इनकम जनरेटिंग इनकम जनरेटिंग नॉन इनकम जनरेटिंग में बाइफर्केशन हमने किस बेसिस पे की इंटेंशन की बेसिस पे की इंटेंशन को किस बेसिस पर एस्टैब्लिश किया फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी रिकरिंग नेचर की बेसिस पे और हमने ये भी कहा कि प्लेस ऑफ बिजनेस है प्लेस ऑफ वर्क है दिस कैन ऑल्सो बी एन इंडिकेशन बट नॉट अ सोल डिटरमिनिंग फैक्टर और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में हमने कहा सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स जहां पर इंटेंशन आपकी इनकम जनरेट करने की नहीं हुआ करती ठीक है बच्चा जिसमें हमने कहा सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स इज एन एग्जाम्पल लेकिन उसकी एक्सेप्शन हमने लिखी क्या कि कुछ ऐसे पर्सनल स्पेसिफाइड पर्सनल एसेट्स हैं जो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में आते हैं जिनका सेल किया जाना विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन ठीक है फिर हमने कहा रिसीट मे बी जनरेटेड विदाउट एक्टिविटी विदाउट एक्टिविटी विदाउट एक्टिविटी में हमने कहा कि ऑन वॉलंटरी बेसिस भी हो सकती है जिसमें हमने कहा बर्थडे पार्टी के गिफ्ट्स एनवेलप्स वगैरह और हमने कहा वेयर शरिया राइट इज वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड लीगल राइट में हमने कहा कोई प्राइस स्कीम प्रमोशन स्कीम कोई स्कीम अनाउंस बाय थर्ड पार्टी और हमने कहा उसकी एक्सेप्शन क्या है शरिया राइट तो हमने कहा था कि विदाउट एक्टिविटी में वॉलंटरी बेसिस वाला कैपिटल रिसीट एक्सेप्शन क्या हमने कहा गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन फ्रॉम रिलेटिव्स वो रेवेन्यू रिसीट और फिर हम आए थे लीगल राइट एस्टैब्लिश वाले पे लीगल राइट वाले केस में हमने क्या कहा था रेवेन्यू रिसीट उसकी एक्सेप्शन क्या थी शरिया राइट फिर हम आए थे इनकम के डेफिनेशन पे इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स जिसमें हमने कहा रेवेन्यू रिसीट होगी एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर एफटीआर एफटीआर के ऊपर आज हम तफसील से मजीद बात करेंगे एक एग्जांपल हमने देखी थी एक्सपोर्ट सेल्स के केस में बस वो एक्सपोर्ट का केस था
उसको किसी और नॉर्मल केस से मिक्सअप मत करना, ठीक हो गई बात। फिर हमने तीसरा देखा था एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम, और आपने फिर लास्ट क्या देखा था, एनी नॉट ट्रीटेड एज इनकम, थर्ड फोर्थ तो पनिश हो गया। सही, अच्छा फिर टैक्स पेयर की डेफिनेशन हमने देखी। टैक्स पेयर की डेफिनेशन में हमने कहा कि एनी पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। पर्सन में हमने कहा इट कुड बी एन इंडिविजुअल, यूपी और कंपनी। एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसके अंदर हमने दो एग्जांपल देखी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल और एजेंट ऑफ अ फॉरेन प्रिंसिपल, ठीक होगी बात। उसके बाद हमने क्या देखा था, any person who is required to collect or deduct tax at source, तो हमने कहा बहुत सारे ऐसे persons होंगे जिन पर tax ordinance जिम्मेदारी लगाएगा, जब तुम payment करोगे tax card के payment करोगे, ठीक है। इसकी मिसाल हमने ये दी थी कि एक business है, उसका एक employee है, वो इस employee को देता salary, मिसाल के तौर पर उसकी salary है लाख रुपए पर मंथ, साल की कितनी बनी 1.2 मिलियन, ठीक होगी बात। अब उसूलन इस बिजनेस को इस एम्प्लॉय के अकाउंट में हर महीने लाख रुपए की सैलरी ट्रांसफर करनी चाहिए है, लेकिन ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ने इस पे जिम्मेदारी लगाई है कि तुम इस एम्प्लॉय को पूरी सैलरी इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, वरना ये टैक्स नहीं देगा, तुम इसकी सैलरी में से टैक्स काट के हमें जमा करा देना। अगर मिसाल के तौर पर इसकी 12 लाख रुपए की सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है, अज्यूम कर रहा हूं 60,000 टैक्स है, महीने का कितना हुआ 5,000 हो गया, तो सर अब इसके अकाउंट में जहां लाख रुपए ट्रांसफर होने थे अब लाख नहीं होंगे, कितने होंगे, तो सर अब इसके अकाउंट में 95,000 पर मंथ ट्रांसफर होंगे, और 5 कहां जाएंगे, 5K जाएंगे FBR को। लेकिन हमें पता है कि ये बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या बनाएगा, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कितने से 12 लाख पूरे साल की एंट्री बनाते हैं, चलो क्रेडिट, क्रेडिट क्या बैंक जो एम्प्लॉय को चला गया, कितना 12 लाख नहीं गया, 1140 गया, क्रेडिट पेबल टू FBR कितना, एक्सपेंस तो सैलरी का पूरा 12 ही जाएगा, क्या ये अकाउंटिंग एंट्रीज में समझ आती है, सैलरी का एक्सपेंस तो पूरा 12 लाख जाएगा, क्रेडिट बैंक अकाउंट में होगा 1140, लेकिन टैक्स वाले ने कंपनी को कह दिया, बिजनेस को कह दिया, ए बिजनेस ये हमारा हिस्सा है, हम तक पहुंच जाना चाहिए, अगर हमारा हिस्सा हम तक नहीं पहुंचा तो ये एक्सपेंस की एंट्री तुम नहीं कर सकोगे, और अगर ये एक्सपेंस की एंट्री तुम नहीं कर सकोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब इस बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उस पर टैक्स भी, यानी कि देख रहे हो कि टैक्स वाले ने गर्दन किसकी पकड़ी है, टैक्स इसका है, टैक्स एम्प्लॉय का है, लेकिन टैक्स वाले ने गर्दन किसकी पकड़ी, हम तो टैक्स वाले ने कहा कि ए बिजनेस अगर तेरा लॉस भी है, अगर तू लॉस मेकिंग भी है, लेकिन तुझ पे जिम्मेदारी है कि तू इसकी सैलरी पे से टैक्स काट के हमारे खजाने में जमा करा, अगर ऐसा सीन है तो भी तू टैक्स पेयर है, यू आर नॉट डिराइविंग एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स बिकॉज यू आर इनकरिंग लॉस। शुरू के सालों में ऐसा ही होता है, नया बिजनेस होता है ना वो लॉस करता है, पहले साल से कोई प्रॉफिट में नहीं आ जाता, ठीक होगी बात। तो सर अगर प्रॉफिट में नहीं आया और ये बिजनेस ए बी एंटरप्राइज, नाम है इसका ए बी एंटरप्राइज, ये बिजनेस शुरू के साल में लॉस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दिस बिजनेस इज नॉट डिराइविंग एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, तो क्या ये टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आएगा, हमने कहा आएगा, क्यों, क्योंकि सर इस ये ऐसी पेमेंट कर रहा है जिसका टैक्स काट के जमा कराना इसकी जिम्मेदारी लगा दिया लॉ ने, बात समझ आती है, थ्री टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आ गया। फिर हमने कहा एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114, तो एक खातून ने मुझसे क्लास के बाद सवाल किया था कि सर ये रिटर्न क्या है, तो मैंने उनसे कहा कि आपको ये क्लास के बीच में करना चाहिए था, मैं ये बताना भूल गया, ठीक है। रिटर्न किसको बोलते हैं, रिटर्न अंग्रेजी का लफ्ज है, रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, तो सर क्या टैक्स में भी रिटर्न का मतलब ऐसा ही है, हमने कहा नहीं,
टैक्स की दुनिया में रिटर्न का मतलब होता है गोशवारा एंड अ स्टेटमेंट. अ स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सर? टैक्स की दुनिया की, ये टैक्स की दुनिया की पीएनएल और बैलेंस शीट है. हम कहते हैं टैक्स वाला हमसे टैक्स लेगा. कैसे टैक्स लेगा? हम पहले उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट देंगे ना कि ये हमने इनकम अर्न की है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमने इनकम अर्न की है, ये हमारे असासे हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज हैं. क्या ख्याल है? जिस तरह अकाउंटिंग में तुम हिसाब किताब बनाते हो, जिस तरह अकाउंटिंग में तुम हिसाब किताब बनाते हो, उसी तरह टैक्स की दुनिया में भी ये हिसाब किताब बनाना पड़ेगा ना. बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर. उसे कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम. तो सर ये रिटर्न ऑफ इनकम उसूलन किसको जमा कराना चाहिए? उसूलन ये इनकम का हिसाब किताब टैक्स वाले के पास किसको जमा कराना चाहिए? उसूलन ये इनकम का हिसाब किताब उसको जमा कराना चाहिए जिसकी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो. ठीक है, अब सब लोग निकालेंगे रेट कार्ड, टैक्स रेट कार्ड निकालेंगे. टैक्स रेट कार्ड में पहले पेज पर पहला डब्बा देख रहे हैं, पहले पेज पर पहला डब्बा देख रहे हैं, अभी दूसरा डब्बा नहीं देख रहे, पहले पेज पर पहला डब्बा देख रहे हैं जिसमें लिखा है वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख. वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख. सबको नजर आ रहा है बेटा? हैंड आउट तो ग्रुप पे पहले आ चुका है, बार बार आ चुका है. टैक्स रेट कार्ड में दे चुका हूं मेरे बच्चों. एजेंट इन पाकिस्तान और फॉरेन प्रिंसिपल की मिसाल मैंने दी थी. मैकडोनल्ड्स का पूरा कारोबार यहां चल रहा है और मैकडोनल्ड्स इनकम अर्न कर रहा है. मैकडोनल्ड्स यहाँ का तो ब्रांड नहीं है, कहाँ का ब्रांड है? बाहर का ब्रांड होगा, यूएस का ब्रांड होगा, यूके का ब्रांड होगा. ठीक है भाई, तो अब यूएस का ब्रांड यहाँ चल रहा है और इनकम अर्न कर रहा है, तो एफबीआर वाला टैक्स किससे लेगा? वो यूएस के ओनर के पास जाएगा, बोलेगा तुम्हारा पाकिस्तान में बिजनेस चल रहा है, लाओ टैक्स दो. हमने कहा पाकिस्तान के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ होगा उसने, हम उसकी गर्दन पकड़ेंगे, तुम टैक्स दो. ठीक होगी बात? सिंपल बात है, तुम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हो और तुम टैक्स दो. ठीक है, अच्छा टैक्स रेट कार्ड वैसे तो मैं सेंड कर चुका हूं लेकिन बच्चे कह रहे हैं दोबारा सेंड कर दें, तो ये अजीब सी बात है लेकिन हम कर देते हैं. ढूंढना पड़ेगा जरा. अच्छा भाई, तो सबसे पहले आपने पहला डब्बा देखा, पहले डब्बे में क्या लिखा था बेटा? वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख. कोई टैक्स है उसपे? नहीं सर, 6 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं. यानी कि अगर कोई बंदा 3 लाख कमा रहा है पूरे साल के, तो क्या वो टैक्स देगा? क्या वो टैक्स पेयर की डेफिनेशन में आएगा? ही इज नॉट डिराइविंग अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स. 3 लाख चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं. He is not deriving an amount chargeable to tax. तो वो taxpayer की definition में ही नहीं आएगा. जब वो taxpayer की definition में नहीं आएगा तो उसे ये return of income जमा नहीं करवाना. बात समझ आती है? लेकिन section 114 एक अलग section है जो कहता है कि भले ठीक है तुम्हारी amount chargeable to tax तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इस category में आ गए तो भले तुम अर्न करो न करो तुम्हें रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना है. क्या बात समझ आती है? जैसे मैंने मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दी थी कि अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनकम तो अर्न नहीं कर रहे, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपके अब्बू ने आपके नाम पर गाड़ी रजिस्टर करा दी? हो सकता है 1000 cc से ऊपर की गाड़ी आपको गिफ्ट कर दी, आपके नाम पर रजिस्टर हो गई. अब आप तो इनकम अर्न नहीं कर रहे विच इज चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन टैक्स वाला कह रहा है फिर भी तुम टैक्स पेयर की डेफिनेशन में शामिल हो गए हो और तुम्हें ये रिटर्न जमा करवाना है. क्लियर है बात? यहां तक सारी बातें क्लियर थी? आ जाओ बेटा, अब हम डिस्कशन करेंगे बेटा अपना किस चीज का? टैक्स रिजीम्स का डिस्कशन करेंगे बेटा. बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. बेटा बातें नहीं होंगी प्लीज.
सुनना जरा गौर से। सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूं नॉर्मल टैक्स रिजीम का। सबसे पहले मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, नॉर्मल टैक्स रिजीम। हमारे पास जब हमने रेवेन्यू रिसीट का डिस्कशन किया तो हमने हेड्स ऑफ इनकम का तस्करा किया, पांच हेड्स ऑफ इनकम का तस्करा। मैं वो पांच के पांच हेड्स ऑफ इनकम यहां लिख रहा हूं आपके सामने। सैलरी, आईएफपी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अभी हमें इस हेड का भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। हम तो नन्हे, अभी तो टैक्स हमने पढ़ना शुरू किया। लेकिन सर हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं, कुछ ना कुछ अकाउंटिंग की बेसिक्स हमको आती है और हमने अकाउंटिंग की दुनिया का पीएनएल बनाया हुआ है, ऐसा ही है। और अकाउंटिंग की दुनिया में क्या होता है, सेल परचेज ऑफ गुड्स होती है ना, पीएनएल बनाते हो, परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, ऐसा ही होता है। तो वो बेसिकली बिजनेस होता है। तो अगर मैं कहूं कि तुमने अकाउंटिंग का जो पीएनएल बनाया बेसिकली वो बिजनेस इनकम का पीएनएल था, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं? Yes. ठीक कह रहा हूं। और सर ऐसा होता था कि बिजनेस इनकम के केस में जो भी रेवेन्यू होता था, जो भी रिसीट्स होती थी, जो भी टर्नओवर होता था, कुछ भी नाम दे दूं, मैं रेवेन्यू बोल दूं, रिसीट्स बोल दूं, टर्नओवर बोल दूं, उसमें से एक्सपेंसेस को हम लेस करते थे और ये जो अमाउंट आती थी इसको हम इनकम कहते थे, ऐसा ही है? ऐसा ही है? हमें नहीं पता सैलरी आईएफपी सीजी आईएफओ इसमें क्या होता है, क्या भला है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन सिर्फ मैं बीआई को देख के क्या ये कह सकता हूं आसानी के लिए अभी कि सर बाकी हेड में भी ऐसा ही कुछ होता होगा? अब मैं जब ये करता हूं ना तो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ होता है कुछ ना कुछ वो कहते हैं कि सर देखिए आपने सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस कर दिए, गलत कर दिया, सैलरी में से तो एक्सपेंसेस लेस होते ही नहीं है। देखा हाँ सैलरी में से एक्सपेंसेस लेस नहीं होते, लेकिन ये हमें कब पता लगेगा, जब हम सैलरी में पहुंचेंगे ना। क्या अभी हम सैलरी में पहुंचे हैं? अभी तो हमारे दिमाग की स्लेट खाली है, ठीक है, जिसके ऊपर अभी हम आसान रखेंगे चीजें, मुश्किल नहीं करनी हमको। जब हमें कोई चीज पता ही नहीं है इस वक्त तो लेस करो मजे से, ठीक है। जबरदस्त सर। अब ये नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या है, एक मोड ऑफ टैक्सेशन है, ठीक है भाई, किसी इनकम को टैक्स करने का तरीका है ये। क्या है ये? किसी इनकम को टैक्स करने का तरीका है। अच्छा, अब चूंकि नाम से ही देखो कितना नॉर्मल लग रहा है ना, शरीफ लग रहा है, प्यारा लग रहा है, ऐसे ही है। तो हमने कहा सर ये नॉर्मल, फिर एक काम करते हैं सर, हर हेड ऑफ इनकम में से, हर हेड ऑफ इनकम में से जो शरीफ इनकम के एलिमेंट्स है ना, जो नॉर्मल वाले एलिमेंट्स है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इस हेड में से भी और इस हेड में से भी, सर जो हर हेड में से नॉर्मल नजर आने वाली इनकम है, नॉर्मल नजर आने वाली इनकम है, ये नॉर्मल कैसे नजर आएगी? शक्ल तो शरीफ दिखती होगी, हमें नहीं पता, बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं सर, हर हेड में जो शरीफ और नॉर्मल नजर आने वाली इनकम है उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम ऑफ नॉर्मल इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है भाई, सम ऑफ इनकम, सम ऑफ नॉर्मल इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, नॉर्मल
स्लैब रेट, ठीक है लिख लो। जो कि डिवीजन वन पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं, ये नॉर्मल रेट्स कहलाते हैं, नॉर्मल स्लैब रेट्स कहलाते हैं। तो सर हर हेड ऑफ इनकम में से जो मासूम शरीफ नजर आने वाली इनकम है ना, जो शरीफ नजर आने वाली इनकम है, उन सबको हम सम करेंगे और उस पर कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, नॉर्मल स्लैब रेट। क्योंकि टैक्स रेट कार्ड पर तो तुम्हें बहुत सारे रेट दिए हुए, देखो रेट ही रेट दिए हुए हैं, रेट का बूफे लगा हुआ है, रेट का बूफे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटा थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज कर लो, वाकई मुझे भी लग रहा है कि बोर्ड जरा, चलो मैं बुला लेता हूँ, रुक जाओ। बेटा उसको उसामा को बुलाओ ना, आईटी वाले को जरा बुला लो, करते हैं बेटा कुछ करते हैं, अभी तो ये कॉपी करो, अभी जो काम की चीजें वो नजर आ रही है तो कॉपी कर लो मेरे बच्चों। तो सर ये हमें कैसे पता लगेगा, सुनना जरा सर, ये हमें कैसे पता लगेगा कि शरीफ वाली इनकम कौन सी है। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि शरीर वाली इनकम कौन सी है, तो जो बच जाएगी सारी कौन सी है, शरीफ वाली इनकम। अगर हम ये बता दें कि नॉर्मल के अलावा वाली इनकम कौन सी है, तो उसके अलावा जो बच जाएगी क्या है, वो नॉर्मल। तो अभी जब हम आगे डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको इसकी भी एग्जाम्पल दूंगा और जो एफ टी आर की इनकम है उसकी भी एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको आम मिसाल दे रहा हूं, सैलरी इनकम ये किसमें फॉल करती है, ये नॉर्मल में फॉल करती है, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये भी किसमें फॉल करती है, ये भी नॉर्मल में फॉल करती है, क्या बात समझ आती है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक बंदा है, मिसाल के तौर पर मैं हूं, अब मैं सैलरी इनकम भी कमा रहा हूं, मेरी जॉब भी चल रही है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को किराए पर भी दी हुई है, वहां से किराया भी आ रहा है, मेरे कुछ शेयर्स भी हैं जो नॉर्मल में फॉल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कब फॉल करेंगे नॉर्मल में, लेकिन कुछ शेयर्स भी हैं जो नॉर्मल में फॉल कर रहे हैं। सर मैंने बेटे बहुत ज्यादा ब्राइट आ रहा है, बच्चों को देखने में मसला आ रहा है, तो जरा देख लो अगर ब्राइटनेस एडजस्ट हो सके इसकी। अच्छा तो एक काम करो, जरा यहाँ पर एक आध लाइट जरा ऑफ करके देखो, बिल्कुल अंधेरे वाला माहौल ना बन जाए, बस एक आध जरा तोड़। और ये भी हो सकता है कि मैं शाम में मेरे पास फारिग वक्त हो, तो मैंने कहीं जगह किराए पे लेके वहां पर छोटा मोटा होटल खोल लिया, क्या ख्याल है, तो मेरी बिजनेस इनकम भी आ रही होगी, ठीक है, मेरा ख्याल है बेहतर है, सही है। अब देखो मुझे लगता है इसका और इसका रिफ्लेक्शन भी आता है, ये बंद करेंगे अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, छोड़ दो फिर, रहने दो बेटा, अभी देखने में ठीक है, बेहतर है, ठीक है बच्चा, बेहतर सही। अच्छा तो हमने कहा नॉर्मल में क्या होता है, सारे हेड्स ऑफ इनकम की नॉर्मल इनकम को सम करो और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, नॉर्मल स्लैब रेट से। तो जो आपके टैक्स रेट के ऊपर पहले पेज पर जो स्लैब रेट दिए हुए हैं वो नॉर्मल स्लैब रेट है। डिवीजन वन पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल लिखा भी होगा, बेटा मुझे दिखाते हैं प्लीज, ऐसा कुछ लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है डिवीजन वन पार्ट वन, पहले डब्बे में भी डिवीजन वन पार्ट वन लिखा हुआ है, दूसरे डब्बे में भी डिवीजन वन पार्ट वन लिखा हुआ है। अब सर हम कौन सा डब्बा अज्यूम करें, आप किस डब्बे का जिक्र कर रहे हैं, मैं इन दोनों डब्बों का जिक्र कर रहा हूं। तो सर कब ये पहला डब्बा इस्तेमाल होगा, कब ये दूसरा डब्बा इस्तेमाल होगा, ये आगे चल के बताऊंगा, अभी मैं इन दोनों डब्बों का जिक्र कर रहा हूं। ये है डिवीजन वन पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स जो नॉर्मल इनकम पे अप्लाई होते हैं, सारे हेड की नॉर्मल नजर आने वाली इनकम को सम करेंगे
और उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगा देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, नॉर्मल टैक्स रिजीम की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। सारी इनकम को सम करेंगे तो नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत इनकम आ जाएगी, उस पे रेट अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। क्या बात समझ आती है? अच्छा, अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमारे कॉन्सेप्ट फाइन ट्यून होते चले जाएंगे और मेरी टर्मिनोलॉजीज टेक्निकल होती चली जाएंगी। अभी हम देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, टोटल इनकम कुछ और होती है, टैक्सेबल इनकम कुछ और होती है। अभी टोटल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, इसके ऊपर मैंने अभी कोई तस्करा नहीं किया। वी आर कीपिंग थिंग्स सिंपल बिकॉज वी आर एट द स्टार्ट ऑफ द स्टेज। ठीक है बच्चा, सब एक और बात सुनना जरा। अब मैं जरा तुमको कुछ अमाउंट देता हूं और कुछ जरा कैलकुलेशन तो करो। अज्यूम करो साल की सैलरी है, एनुअल की बात कर रहा हूं मैं, एनुअल की बात कर रहा हूं क्योंकि ये रेट्स एनुअल, रेट्स एनुअल इनकम पे अप्लाई होते हैं। एनुअल सैलरी है अज्यूम कर लो 25 लाख, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अज्यूम कर लो है तुम्हारे पास 2 लाख, नॉर्मल वाला कैपिटल गेन है 1 लाख, नॉर्मल वाली बिजनेस इनकम है 3 लाख और अदर सोर्सेस है 50,000। जरा इस सबको एड अप करो कितना बनता मेरे बच्चों, कितना 31 लाख। अच्छा तो इसको इससे डिवाइड करो जरा, 25 लाख को 31,50 से डिवाइड करो, सेवेंटी नाइन पॉइंट टू फाइव। ठीक है, ये मैंने क्यों डिवाइड किया ये आपको पता नहीं करने की जरूरत है, बाद में पता लगेगा आपको। अच्छा 79% ना, ठीक है। अब ये आपने सारे नॉर्मल हेड की इनकम को सम किया और आपके पास क्या अमाउंट आ गई, 31,50। अब स्लैब रेट आपके सामने है, पहला डब्बा यूज करना है, दूसरा डब्बा यूज नहीं करना। पहला वाला डब्बा यूज करना है टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। इसको इस्तेमाल करो, कैलकुलेटर निकालो और मुझे बताओ 31,50 पर टैक्स कितना बनता है। ठीक है बेटा, सब निकालेंगे बेटा ताकि हमें जरा ये स्लैब देखना भी तो आए। देखा अलग अलग आ गए ना, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं 308750। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों का अगर कोई सवाल ड्यूरिंग द लेक्चर मुझसे मिस हो जाए तो मैं क्लास के बाद बैठा होता हूं उनसे सवाल, उनके सवाल लेने के लिए, तो मुझसे बता दिया करो। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं 308750, क्या वो ठीक कह रहे हैं? Yes, कितने बच्चों का 308750 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा बेटा क्या आंसर है आपका बच्चा? ओह ये तो टेक्निकल आंसर आ गया। अच्छा बेटा जरा फिर मुझे स्लैब रेट आप देंगी, जजाक अल्लाह। अच्छा भाई तो स्लैब रेट सबके पास मौजूद होने चाहिए, सबके हाथों में होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं स्लैब रेट को चेक कैसे करना है मेरे बच्चों। वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, तो ये तो 6 लाख से एक्सीड कर जाएगी अगर 6 के अंदर अंदर होती तो कोई टैक्स। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 बट डज नॉट एक्सीड 12, ये तो 31,50 है, यानी कि सर दूसरी सीढ़ी भी, दूसरी सीढ़ी भी चढ़ जाएं आप, थर्ड सीढ़ी पे पहुंचे। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 18 लाख, हमने कहा सर ये तो 18 से भी ऊपर है, चौथी सीढ़ी पे आ जाओ।
वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 18 लाख बट डज नॉट एक्सीड 25 लाख. हमने कहा था ये तो चौथी सीढ़ी से भी ऊपर है, तो पांचवी सीढ़ी पे आ जाओ. वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 35 लाख. सर ये रुक जाए, अभी रुक जाए सर, अब मजीद ऊपर सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इनकम क्या है 3150. इनकम क्या है 3150, तो 35 के अंदर अंदर है. अच्छा, जब ये 35 के अंदर अंदर है तो हमने कहा सर ये पांचवा स्टेप, इस पांचवी सीढ़ी के ऊपर आप आगे खड़े हो गए यूं करके. ठीक है, जैसे ही हम पांचवी सीढ़ी पे खड़े हुए तो स्लैब ने कहा कि तुम पर टैक्स है 1,95,000 का, बेस टैक्स कितना 195,000 प्लस 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख. 17.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख, तो 25 से कितना एक्सीड हो रहा है 6.5 लाख रुपए. ठीक है, 3150 में से 25 लेस करो कितना आता 6.5 लाख, या 25 से एक्सीड कितना कर रहा 6.5 लाख, और 6.5 लाख पे लगाऊंगा क्या रेट 17.5. तो हमने कहा सर 650K पे लगा दें 17.5% और इन दोनों को ऐड करें. अब कर लो, अब तो कर लो 308750. ठीक है बच्चा, तो क्या हमें प्रेजेंटेशन की आज है, मिस मोस्ट वेलकम. मंडे को है 6 से 8 और ये पीसीएससी है, ये दिसंबर का बैच है. अच्छा बच्चों सुन लो, मंडे को 6 to 8. अच्छा बच्चों पीसीएससी का दिसंबर में लास्ट बैच है, ऐसा ही है. तो जिनका पीसीएससी नहीं निकला हुआ और उनको पीसीएससी निकालना है ताकि अगली स्कीम में सुख और चैन का सांस ले सकें, तो मंडे को 6 से 8 पीसीएससी की क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह केएनएस में पीसीएससी सर साजिद कपाड़िया खुद बजाते खुद कंडक्ट करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ यू नो सर साजिद कपाड़िया, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको जो प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो बोलने का सलीका, जो एनर्जी लेवल जो अल्लाह पाक ने उनको अता किए, वी truly derive inspiration from Sir Sajid. So this is a golden opportunity for you people कि जिनका presentation skills का course नहीं हुआ है and they wish to attempt in this December, just take a class on Monday और इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि presentation skills होती क्या है इंशाल्लाह. ठीक है बच्चों, और कोई अनाउंसमेंट मिस? ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद जो है वो पीपीई आ जाएगा जिसके 100 आवर्स होंगे, अभी फिलहाल 50 आवर्स है. तो मैं यही मिस, टाइम तो बहुत है इन बच्चों के पास, 100 घंटे हो 1000 घंटे हो, इनके पास करने को है क्या? नहीं बच्चे बुला लो, 15 मिनट बाद, सही 15 मिनट बाद. ठीक है, बल्कि अब उसको देखिए 5 मिनट बाद बुला लो. ठीक, तुम भी साथ आ जाओ, अंदर आ जाना, तुम भी साथ आना क्लास के बाद. अच्छा भाई, बस इतना काफी था. अच्छा 3,08,750, एक और कर ले अगर, क्या ख्याल है? बेटा प्लीज बातें नहीं होंगी. करो आप भी कह रहे हो सर ये कौन जिन्नात नुमा आदमी है जिसकी सैलरी 3,20,00,000 रुपए होते हैं, जिन्नात नुमा आदमी होते हैं पाए जाते हैं. क्या टैक्स बेटा? हाँ ना, मुझे तो टैक्स से मतलब है. दिखी नहीं रहा मेसी, इतनी बड़ी सैलरी दिखती नहीं लोगों को. कौन सी बेटा? अच्छा ये 32 मिलियन है, 5 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, 2 लाख है.
कितना? 4,80,000। 4,80,000 का टैक्स तो नहीं आ सकता बेटा, मुझे नहीं पता, मैंने ना कैलकुलेटर उठाया है ना मैंने स्लैब रेट देखे हैं, लेकिन 4,80,000 का टैक्स नहीं हो सकता। 8,00,000 देखा, इतने से स्लैब रेट अप्लाई करने में आप देख रहे हो आवाम की राय कितनी मुख्तलिफ हो रही है। 81 लाख एक अमाउंट के ऊपर हम लोग टिक नहीं पा रहे हैं, ऐसा सीन है। तो कैफ सिक्स का सफर तो बहुत लंबा है मेरे भाई। 4,80,000 4,00,000 कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? 4,80,000 कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? 4,80,000 तबीयत से गलत है, गलत नहीं है ये, तबीयत से गलत है, सिर्फ गलत नहीं है। अच्छा देखो मेरे बच्चों, अभी चूंकि आप लोगों ने सीए की दुनिया में कदम रखा है तो मिलियन 2 मिलियन से ऊपर फिगर नहीं देखी होगी, लेकिन ये 3.2 मिलियन नहीं है, ये 32 मिलियन लिखा हुआ है। 32 मिलियन, गौर तो करो जरा, दिल की आंख से देखोगे तो ये 3,20,00,000 है। बस बस, शोर नहीं, शोर नहीं, खामोशी खामोशी खामोशी। अच्छा बेटा, अब जैसे ही हमने, अच्छा जरा मुझे इसका सम तो बता दो, 3,28,500। चलो शुक्र, इस पर आवाम मुत्तफिक है, इसको सम करने पर आवाम मुत्तफिक है, यही खुशखबरी है। अच्छा जब हमने देखा, अमाउंट चेक किया 32,850, हमने कहा जरा चेक करते हैं ये कौन सी सीडी पर मौजूद है, तो ये हमें पता लगा 30 मिलियन से ज्यादा है, 50 मिलियन से कम है, यानी कि ये 10th सीडी पर मौजूद है, ये 10th स्लैब पर मौजूद है, 10th स्लैब पर मौजूद है। और इसका बेस अमाउंट कितना है? 7,29,500 और 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 30 मिलियन, यानी कि सर इसका टैक्स बनेगा 7,29,500 और 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 30 मिलियन, यानी 28,50,000 का 30% निकाल लो। कितना बच्चा? 8,15,000। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे तुमसे पहले बता रहे हैं, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। 8,15,000। जी मोहम्मद जैन, आपने एक सिफर कम लगा दिया, 8,15,000। 81,50,000 क्या ये सबको ये बेसिक कैलकुलेशन करना आ गई है? किसी को अगर ये समझ नहीं आया, बेटा मेरी बात सुन लो, ये मैं आज से पहले कभी मैं नहीं कराता था, मैं अज्यूम करता था स्लैब रेट देखकर इतने आकिल बालिग बच्चे हैं कि उनको समझ आ जाता है, लेकिन उसके बाद काफी बच्चे मेरे पास आए बोले सर स्लैब से टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा अब हम सबको बताएंगे, अब मुझे बताओ कि ये 8,150 सिर्फ मुझे ये बताएगा कि ये टैक्स निकालना किसको नहीं आ रहा अब तक, ठीक है? अगर अभी भी किसी को नहीं आ रहा हो तो क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया वालों अगर डर से कि दुनिया हंसेगी तुम सवाल नहीं पूछोगे तो दुनिया तो वैसे भी हंसेगी तुम पे, दुनिया वालों का तो काम है हंसना। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाद पूछना मुझसे, ठीक हो गई बात? अच्छा अच्छा बेटा, क्लास के बाद बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? बेसिकली एक बच्चे ने कहा सर एक्सप्लेन प्लीज, टोटल मैंने इनकम करी कितनी हुई? 32,850। मैंने स्लैब चेक किया, स्लैब में ये 10वीं सीढ़ी पर आ रहा था, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 30 मिलियन, 30 मिलियन से एक्सीड कर रही है ये अमाउंट,
जी सर कर रही है बट डज नॉट एक्सीड 50 मिलियन, लेकिन 50 के अंदर अंदर है। क्या 50 के अंदर है? 50 के अंदर है। तो हमने कहा ये 10वीं सीढ़ी पे फॉल करती है और 10वीं सीढ़ी का अमाउंट इसके ऊपर लग जाएगा। अब जरा इसको गौर से देखो दिल की नजर से और मुझे एक बात बताओ, ये समझ आ गया आप लोगों को? मैं इसको रब कर रहा हूं और अब मैं कुछ मजीद बातें लिखूंगा इस एनटीआर की इनकम से रिलेटेड। यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों? फिर मैं रब करूंगा। अच्छा भाई, एक चीज आप सबने नोट कर ली बेटा, क्या नोट कर ली? इनकम कैसे आ रही है सर? एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं, फिर हेड ऑफ इनकम की इनकम आ रही है, फिर हम सारी इनकम को ऐड कर रहे हैं, कैसा ही है? तो एक बात हम और लिखेंगे कि सर ये जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में इनकम आती है ना, इसमें एक्सपेंसेस अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। लिख लो, ये चार्ट आपके सामने है जिसकी बेसिस पे मैंने ये लिख दिया और आपको समझ भी आ गया। एक और बात, अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा लेवल बढ़ रहा है टैक्स की दुनिया में, लेकिन टैक्स की इनकम कैसे निकलती है और लायबिलिटी कैसे निकलती है, मैं उसका एक खाका और सांचा बनाऊंगा आपके सामने। सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, उसमें से एक चीज लेस होती है जिसको हम कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। जब ये लेस हो जाती है तो हमारे पास आती है टैक्सेबल इनकम। जब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम अप्लाई करते हैं टैक्स रेट, जब हम इस पर अप्लाई करते हैं टैक्स रेट, तो आती है हमारे पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। ये भी फाइनल नहीं होती, उसमें से एक और चीज लेस होती है जिसको हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। जब ये लेस हो जाती है तो हमारे पास आ जाती है टैक्स लायबिलिटी। कॉपी करो, ये पांच मिनट में आप लोगों को मैच करूंगा, ठीक? अच्छा भाई, क्या ये खाका सबने बना लिया? ये वाला नहीं बनाया तो बनाओ। हाँ, किसका इंतजार है? ये खाका बना लो। सारी सारे हेड ऑफ इनकम की, सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को पहले सम करते हैं। अच्छा सर, ये सारे हेड ऑफ इनकम की इनकम ये सम हो गई? हो गई। ये सम होने से पहले इनके एक्सपेंसेस लेस हो चुके हैं। क्या बात समझ आती? यानी कि हर हेड ऑफ इनकम में से उसके एक्सपेंस लेस होते हैं, जो अमाउंट आती है उनको सम किया जाता है, वो यहां आ गई। यानी कि इन सबको जब आपने सम किया तो जो भी आती है अमाउंट वो यहां आ गई। ठीक है, उसमें से देखो मैंने कुछ लेस किए, डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस कर दिए मैंने। ये क्या होते हैं, क्या होते हैं? पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने खाका बनाया है, ये बहुत चुन्ना मुन्ना सा खाका बना दिया। ये मैंने इनकम टैक्स को समराइज कर दिया, ये मैंने आपके पूरे इनकम टैक्स को समराइज कर दिया।
जितना दिखने में ये सीधा खाका लगता है उतना ये फितना अंगेज खाका है। कैसे? जैसे ही इसको क्लिक करोगे, ये नजर तो आ रहा है शरीफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे, ये पांच हेड्स ऑफ इनकम खुल जाएंगे। फिर ये पांच हेड्स ऑफ इनकम तुम जितने शरीफ नजर आ रहे हो उतने है नहीं। तुम सैलरी को क्लिक करोगे, सैलरी की दुनिया खुल जाएगी कि सैलरी में क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती। एक्सपेंसेस लेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं, तो कौन से हो सकते हैं? दिखने में कितनी आसान लग रही है ये लाइन, लेकिन इसको जैसे ही क्लिक करोगे सारे हेड ऑफ इनकम खुल जाएंगे। इसी तरह ये कितनी आसान लग रही है लाइन, इसको क्लिक करोगे हैंड आउट नंबर टू खुल जाएगा पूरा, जिसमें सारे डिडक्टेबल अलाउंसेस आ रही होंगे आपके पास, जकात, WWF, WPPF, अल्लाह भला करे, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, लिस्ट आ जाएगी पूरी। हमें नहीं पता, लेकिन मैंने कहा जितना जितना शरीफ लग रहा है उतना फितना अंगेज है। टैक्सीबल इनकम आ गई, टैक्स रेट अप्लाई किया आपने, टैक्स रेट भी आपको पता है कोई आसान मखलूक तो है नहीं, इतने बड़े टैक्स रेट कार्ड में से कौन सा टैक्स रेट लगाना है, पूरा फर्स्ट शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का रेट्स के ऊपर है। फिर हमने कहा टैक्स क्रेडिट्स लेस हो रहे हैं, टैक्स क्रेडिट्स भी आसान नहीं है, इसको क्लिक करोगे टैक्स क्रेडिट्स की दुनिया खुल जाएगी। हमें अभी कुछ नहीं पता करना डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, जब इसका हैंडआउट आएगा तब हम पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना पता करना है कि सर इस अमाउंट में से ये लेस हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये इनकम को कम कर रहे हैं, इनकम को कम कर रहे हैं तो टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। और सर रेट लगने के बाद जो अमाउंट आ रही है उसमें से टैक्स क्रेडिट लेस हो रहे हैं, वो टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो भी बेसिकली टैक्स पेयर का फायदा हो रहा है, क्या ख्याल है? तो सर ये भी अल्टीमेटली टैक्स को कम कर रहा है, ये भी अल्टीमेटली टैक्स को कम कर रहा है। बस हमें इतना पता होना चाहिए और इस स्टेज पे कुछ पता नहीं होना चाहिए। और ये दोनों चीजें हम लेस किस में से कर सकते हैं, नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम में से लेस कर सकते हैं। ये इसकी खसूसियात बताने के लिए मैंने ये खाका बनाया था आपके सामने। क्या बात समझ आती है? कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लिए, जबरदस्त। अच्छा, अब जरा हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये उतार लिया था आपने भी बच्चों? चलिए, अब पांच मिनट के लिए हमारी डिस्कशन कोर्स से हटेगी, ठीक है? आपकी तो ख्वाहिश होती है सर आधा पौना घंटा हट जाए तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा चिल पार्टी करें। हाँ अच्छा भाई, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कैप 4 बिजनेस लॉ का पेपर देंगे इस दफा? क्योंकि बिजनेस लॉ का पेपर लास्ट अटेम्प्ट में बहुत बच्चों ने दिया, तबीयत से दिया, इस आस में कि एक तीर से दो शिकार हो जाए। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने बिजनेस लॉ का पेपर लास्ट अटेम्प्ट में दिया, इस आस और उम्मीद में कि एक तीर से दो शिकार हो जाए, तो हमारी दुआएं सबसे पहले उनके साथ हैं कि अल्लाह पाक एक तीर से दो शिकार कर दे उनके। एक तीर से ये टोपी ड्रामे है। टैक्स का पेपर पास करने के बच्चे मिठाई नहीं लाते, तो लॉ का पेपर पास करने के भैया नहीं कहलाएगा, ये टोपी ड्रामा है सर। अच्छा भाई, कैप 4 बिजनेस लॉ का जो पेपर है बेटा, उससे रिलेटेड डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले मैं किसी को इनवाइट करना चाहता हूं। सर अच्छा भाई, सर अच्छा बच्चों, हमारे साथ मौजूद हैं सर शहरियार सईद। अच्छा, आपको पता होगा कि KNS में इंशाल्लाह इस दफा जो कैप 4 बिजनेस लॉ का जो बैच स्टार्ट होगा उसमें फैकल्टी में थोड़ा चेंज है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सर शहरियार सईद इंशाल्लाह ताला इस दफा कैप 4 बिजनेस लॉ का बैच KNS में स्टार्ट करेंगे। सर शहरियार इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन,
एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप यूं कहेंगे कि हमें सर शहरियार की शक्ल में लॉ के सब्जेक्ट के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि हमें एक हीरा मिल गया तो ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। माशाल्लाह सर हैज़ अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लॉ एट वन ऑफ द हाईली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड इनफैक्ट ऑफ पाकिस्तान IBA में। माशाल्लाह सर मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन पिछले चार पाँच साल से सर पढ़ा रहे हैं, लीड कर रहे हैं जो मर्केंटाइल लॉ का पोर्शन है। इसके अलावा माशाल्लाह सर का जो प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं चाहूंगा सर खुद भी थोड़ा बताएं, आपको ब्रीफ करें कि सर का क्या प्रोफेशनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सो द प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंबाइंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लॉ एट वन ऑफ द हाईली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इंशाल्लाह ताला वी फर्मली बिलीव दैट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ KNS CAF 4 इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर होगा इंशाल्लाह ताला। सर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिकल बैकग्राउंड भी आप ब्रीफ करें। सर ये आप जरूर हाथ में रख लीजिएगा और साथ में, क्योंकि सर इससे ऑनलाइन वाले बच्चे आपको सुन सकेंगे। सही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? पीछे जो रात बैठे हैं। अच्छा पहले तो ये कि मुनीर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी मैं इसके अंदर एडिशन ये करूंगा कि मैंने पहली बार बिजनेस लॉ कब पढ़ाया, आपका क्या ख्याल है मैंने कब पढ़ाया होगा? देखो 40 साल उम्र नहीं है मेरी, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस लॉ पढ़ाया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया, मैंने बिजनेस लॉ 2009 और 10 में पढ़ाया CA के अंदर। एक माशाल्लाह से हमारे जो पार्टनर होते हैं सलमान हक होते थे, मतलब अब वो रिटायर हो गए, उनका एक इंस्टीट्यूट था, उसमें उस जमाने में मॉड्यूल बी होता था, मतलब कि कैब का पूरा मैकेनिज्म नहीं था। तो दैट वॉज अ टाइम जब मैंने मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ पढ़ाना शुरू किया। अच्छा उसका जो मैकेनिज्म था स्कीम थी मॉड्यूल बी की, क्योंकि उस जमाने में भी मेरे पास बिजनेस लॉ अलग था और कंपनी लॉ अलग था। 2013 के अंदर ये हुआ कि कंपनी लॉ को बिजनेस लॉ के साथ मर्ज कर दिया गया। अच्छा उस जो मर्ज किया गया उससे हुआ ये कि आपका 50 मार्क्स पोर्शन इज बिजनेस लॉ, 50 मार्क्स पोर्शन इज कंपनी लॉ। प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो कंटेंट जो डेप्थ थी जो 2009 10 11 12 के अंदर जो पेपर की डेप्थ होती थी वो थोड़ी सी कम हो गई, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पूछी कम जाने लगी और ज्यादा जो क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड थे वो बहुत ईजी आने लगे। बट अब जब ये स्कीम चेंज हुई है दोबारा तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बिजनेस लॉ को दोबारा से अलग कर दिया गया है। और बिजनेस लॉ इज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट जो मैं 2009-10 के अंदर मैंने पढ़ाया और उसके बाद से मैंने IBA के अंदर कोई 6 से 7 बैचेस पढ़ा चुका हूँ। पहली बार जब IBA ने मुझे ऑफर किया कि बिजनेस लॉ पढ़ाएं, क्योंकि वहां पे लॉ के अंदर बैरिस्टर भी मौजूद हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं, तो मेरा जो पहला बैच गया उसके बाद से IBA ने मुझे ऑन एंड ऑफ हमेशा बिजनेस लॉ पढ़ाने के लिए एंगेज किया। वजह ये होती है कि बिजनेस लॉ आप में से कुछ लोग दे चुके हैं बिजनेस लॉ, कौन कौन दे चुके हैं? सब दे चुके हैं भाई, ये तो पढ़े लिखे लोग सबने कोशिश की है एक टीम से दो शिकार करने की और हमारी दुआ है कि अल्लाह। अच्छा पांच भी हो चुके? पीछे में एक हाथ उठ रहा है शायद वो पांच भी हो चुके। अच्छा देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस लॉ का अगर तुम रिजल्ट उठा के देखो, रिजल्ट पासिंग परसेंटेज देखो तो काफी डिप्रेसिंग परसेंटेज है, ऐसे ही है, ठीक है, परसेंटेज नहीं बता रहा मैं। देखो एक चीज ध्यान में रखना, उस डिप्रेसिंग परसेंटेज की कुछ वजूहात होती हैं, उन वजूहात में सबसे इंपॉर्टेंट वजह क्या होती है? इंपॉर्टेंट वजह क्या होती है भाई? ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ द की रीजन। नंबर टू, अब जब आपके 30 मार्क्स के MCQs आने लगे हैं तो अब ड्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट तो है, इम्पैक्ट है, बट साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमारे पास नहीं होती,
हमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को अपनी आम जबान में कुछ भी लिख देते हैं, 10 लोग होंगे 10 चीजें लिख देंगे, बट एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ लिखना जरूरी है, ठीक है, और हंसना जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है ना। एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ की जगह आप कुछ भी लिख देंगे, एंगेजमेंट, बिजनेस एंगेजमेंट बिटवीन टू पार्टीज, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, और ये बेसिक चीज है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिजनेस लॉ के अंदर इन डेप्थ मौजूद है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कैसे मानी जाएगी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रीडी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो प्रॉब्लम यहाँ ये होती है हमारे बच्चे के पास कि वो अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ऊपर लेवल पे समझते हैं, पेपर का जो लेवल आता है वो थोड़ा सा डेप्थ में आता है। तो हमें इस कैप 4 के अंदर बिजनेस लॉ जिन लोगों ने पढ़ना है और इंशाल्लाह जिन्होंने एग्जाम पास करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेसिपी ये है कि हमने अपनी लर्निंग को इन डेप्थ रखना है, एग्जाम फोकस पढ़ना है। एग्जाम फोकस को मैं ये नहीं कहता कि हमने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, एग्जाम फोकस का मतलब हमें अपनी ग्रेड पता हो, किस जगह से कितना पोर्शन आना है, उस पोर्शन की एग्जाम फोकस प्रैक्टिस हो, और उसके साथ साथ एग्जाम फोकस प्रैक्टिस होने के साथ साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पास पेपर का एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो यूके पाकिस्तान इंडिया में ऑलमोस्ट सेम है, तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास एग्जाम्पल है, पेपर्स हैं, उसकी भी हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर सेटर बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास पेपर नहीं देख रहा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और आई होप जो लोग मेरे साथ इस कोर्स के अंदर एंगेज होंगे दे विल लर्न अ लॉट विद डेडिकेशन। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि भाई चीज वही मुश्किल है जिसके लिए एफर्ट ना दीजिए, ऐसा ही है, ठीक है। और एक चीज अपने ध्यान में हमेशा भी डाल लेना, बहुत सारे लोग, मुनीर भाई 3 साल पहले आपने टैक्स शुरू किया था, ठीक है, मुनीर भाई ने, उस्मान सादिक हमारे टीचर होते थे, वो अब माशाल्लाह कनाडा में है, ही इज वेरी फाइन देयर। मुनीर भाई ने जब कोर्स शुरू किया था, आज माशाल्लाह से आई एम वेरी हैप्पी टू सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मुनीर भाई, और इंशाल्लाह होपफुली विद द केएनएस प्लेटफॉर्म हम कोशिश करेंगे कि बिजनेस लॉ के अंदर भी हम सेम स्ट्रेंथ, सेम एंगेजमेंट, सेम डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो। सर एक दो सवाल आते हैं बिजनेस लॉ से रिलेटेड, अशल आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, आईबीए में भी और बाकी यूनिवर्सिटी में भी एज विजिटिंग फैकल्टी मेंबर, लॉ सर जो सवाल आपसे पूछूं प्लीज वो भी रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन वाले पूछे आपको माइक सुन सके। तो सर वहां पर एमसीक्यू बेस्ड कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग पर कितना फोकस होता है, और आपके पास जो मटेरियल है, जो रिपोजिटरी है एमसीक्यूज टेस्टिंग की, वो कैसी है? देखिए आईबीए का जो स्ट्रक्चर है, आईबीए का स्ट्रक्चर मोनोटोनस स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन टीचर और टीचर, ठीक है, और वहां पे कॉन्सेप्ट फोकस ज्यादा होता है क्योंकि वहां के जो टीचिंग आवर्स हैं वो आपके एज कम्पेयर टू टीचिंग आवर्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ जो यहाँ पे है वो कम है। बट वहां पे है क्या कि एमसीक्यूज आपको ज्यादा पूछने होते हैं ताकि बच्चे का माइंड क्लियर हो कि वो क्या कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग करनी होती है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुझे अब 4 से 5 साल आईबी में पढ़ाते हुए हो गए, तो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ एमसीक्यू, सिनेरियो टेस्टिंग्स, और उसके अलावा केस स्टडीज। तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें ऐसी अभी हैं, जब इंशाल्लाह हम जो कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर स्टूडेंट जो मेरे साथ एंगेज होंगे वो देखेंगे कि एमसीक्यूज हैं या फिर आपका जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है उसका कॉन्टेंट बहुत डिफरेंट है जो अभी नॉर्मली लोग पढ़ रहे हैं। जी अच्छा सर, एक बात जो अगर बहुत सारे बच्चों के दिल में भी होती है, आमतौर पर जो लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है ना टीचर, तो बच्चे उससे सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, घबराते हैं कि यार क्यों सर माइंड ना जा रहा है। तो सर आप किस तरह से, मतलब जो स्टूडेंट्स के जहन में जो क्वेश्चन है, हाउ इज योर टीचिंग स्टाइल, थोड़ा सा उसके ऊपर। यार मुनीर भाई आई थिंक कोई भी सब्जेक्ट हो अगर आप माइंड कर देंगे क्वेश्चन सुनने से और उसको जवाब देने से, तो फिर मैं तो फिर कहूंगा कि भाई फिर कोई ना कोई मसला मौजूद है। तो अगर क्वेश्चन बच्चा नहीं पूछेगा, और बिजनेस लॉ तो सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, हर लॉ का सब्जेक्ट, हर लॉ सर मेरी पहले दिन से अपने बच्चों को यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो टैक्स इज आल्सो लॉ, इनकम टैक्स भी लॉ है, सेल्स टैक्स भी लॉ है, ठीक है। तो लॉ के सब्जेक्ट्स के अंदर मेरी पहले दिन से बच्चों को ये रिक्वेस्ट होती है, बेटा कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी है, जरूर पूछो, और पूछे बगैर घर मत जाओ, टीचर इज अवेलेबल
एड्रेस योर क्यूरीज योर कंसर्न। अच्छा एक और बात सर, शहरियार के साथ बिजनेस लॉ में एक पोर्शन मैं भी शेयर करूंगा व्हिच इज अदर बिजनेस लॉज, ठीक है, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये वाली चीज है, क्योंकि मैं इन माय ओन फर्म वी आल्सो लुक आफ्टर ऑडिट, सो ये कंप्लायंस टेस्टिंग के जितने एरियाज हैं ये हम लोग बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो ये अदर बिजनेस लॉज का एरिया सर शहरियार के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों का अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, चाहे वो ऑनलाइन बच्चे हो चाहे वो फिजिकल बच्चे हो, प्लीज पूछो। ठीक है बेटा, कोई सवाल बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे? अच्छा सर, ऑनलाइन में बच्चे का सवाल ये है कि ये जो कोर्स है इसकी लेंथ कितनी होगी, कितने घंटों का कोर्स है, कब खत्म हो जाएगा, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालो। देखिए हमारा जो कोर्स है जो IKP रिकमेंडेशन है दैट इज अराउंड 130 आवर्स का कोर्स है आपका, और अगर हम उसको स्प्लिट करें तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि 1 month बिफोर एग्जाम इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करें और विद प्रैक्टिस कंप्लीट करें, ताकि स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो उनको एक एडमिट टाइम मिल सके उसको रिविजन करने का, उसको प्रैक्टिस करने का, और अगर उसकी कोई भी लूप होल है या कोई हिकअप्स हैं उसको सर रिजॉल्व करने के लिए। सर ड्राफ्टिंग स्किल्स के ऊपर अभी क्या स्ट्रेटजी होगी? उनसे पूछने देंगे ये ड्राफ्टिंग स्किल जो है उनके प्रॉब्लम में आते क्यों है? लैक ऑफ प्रैक्टिस और यार पढ़े बगैर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो इम्पोर्टेंट चीज ये है, बिल्कुल एक एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बिजनेस लॉ या कोई भी लॉ उसका एक जो मिजाज है वो ये है कि हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमने रट्टा नहीं लगाना, लेकिन जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो जितने प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुए हैं उन सबको हमने प्रॉपरली उस क्वेश्चन के आगे लिखना है, नंबर वन। नंबर टू, हमने अपनी आम फहम जबान में नहीं लिखना। तो उसका जो मेरे पास मैं अपनी क्लास में ऑफर करूंगा, मेरे पास दो चीजें, एक तो क्लास प्रैक्टिस, जब मैं क्वेश्चन अपने क्लास के अंदर प्रैक्टिस में दूंगा तो इंशाल्लाह उसकी ड्राफ्टिंग मैं खुद चेक कर रहूंगा। दूसरा, मैं एक टूल जो IBA में यूज करता हूँ, आप में से हो सकता है काफी लोग उससे वाकिफ हो, मेरे पास एक टूल मौजूद है सोक्रेटिव के नाम से, नाम सुने कभी इसने? सोक्रेटिव क्या है? अच्छा सोक्रेटिव बेसिकली है क्या, दिस इज एन ऑनलाइन टूल जिसपे आप MCQs हो या शॉर्ट आंसर दो उनका एग्जाम ले सकते हैं। अगर फर्ज कर ले मैंने आपको एक ग्रुप बनाया है और मैं यहाँ से लॉग इन हो रहा हूँ और आप स्टूडेंट ID से यहाँ से लॉग इन होंगे, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पुट करूंगा तो यू कैन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम योर मोबाइल, फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। मेरे पास अच्छी चीज क्या होगी उसके अंदर कि आपने जो रिस्पांस दिए हुए हैं उस रिस्पांस को मैं जज कर सकता हूँ, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसको मैं एप्रोप्रिएटली यूज करूँ, आप लोगों के साथ यूज करूँ, ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन, आपकी ड्राफ्टिंग के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं प्रॉपरली एड्रेस कर रहा हूँ विद इन द सेमेस्टर। तो बच्चों सिर्फ अल्लाह पाक की जात ऐसी है जो हमें हिम्मत और ताकत दे सकती है, तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो CAT 4 बिजनेस लॉ का बैच होगा मैं और सर शहरियार इसे अपनी पूरी हिम्मत ताकत कुव्वत के साथ बेस्ट डिलीवर कर सकें और हम अपना रोल प्ले कर सकें आप लोगों की सक्सेस में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए एंजॉय योर नेक्स्ट क्लास। सर ये पता नहीं एंजॉय कर रहे हैं, अभी तक तो ये एंजॉय कर रहे हैं लेकिन अब इनको पता लगने वाला है टैक्स क्या होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस।
अच्छा भाई, तो ब्रेक भी मिल गया आपको 5 मिनट का। अब तो भाई टैक्स की क्लास में ऑफ का नाम हो गया, खत्ता खत्ता। अच्छा मेरे बच्चों, वापस जल्दी से वहीं से कनेक्ट करेंगे जहां छोड़ा था। तो ये खाका बनाने का मकसद क्या था? ये खाका बनाने का मकसद ये था कि ये जो हरकत हमने की ना, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने वाली, हमें नहीं पता ये क्या होती है, लेकिन एक बात हम सबको पता चल गया कि सर है ये टैक्स पेयर के बेनिफिट की बात। क्या ख्याल है? कैसे? इससे टैक्सेबल इनकम कम होती है। जब टैक्सेबल इनकम कम होगी तो रेट कम वाली अमाउंट में लगेगा और टैक्स में से ही कमाएगा। क्या बात समझ आती है? तो इधर एक और बात भी लिख लो, खसूसियत लिख लो, डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउड। जबरदस्त बात होगी, रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा, हम प्रैक्टिकली देखेंगे लिखेंगे ताकि आपको लिखते लिखते याद हो जाए। अच्छा फिर सर ये टैक्स क्रेडिट, ये ऊपर वाले एरिया से लेस नहीं हो रहा, ये बॉटम वाले एरिया से लेस हो रहा है। लेकिन सर ये भी क्या कर रहा है? ये भी टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहा है। क्या ये भी टैक्स पेयर की बेनिफिट की बात है? ये भी नॉर्मल इनकम में से हो सकता है। टैक्स क्रेडिट्स अलाउड, ठीक है बच्चों। अच्छा लिख लो, उतार लो, कॉपी कर लो सारे। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या हमारे साथ हैं सारे? उनको साथ होना पड़ेगा। चलो एक और बात भी थी, वो बात क्या थी? टैक्स लायबिलिटी आई मेरे पास, सुनना जरा, ये मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। टैक्स लायबिलिटी आई मेरे पास 2 लाख और सर मैंने पूरे साल में मुख्तलिफ जगहों पर एडवांस टैक्स पे किया हुआ है 60,000। तो मैं पे कितना करूंगा फिर? फिर सर नेट टैक्स पेबल विथ रिटर्न सर वो 1,40 होगा। लायबिलिटी तो 2 बनी लेकिन 60,000 में साल के मुख्तलिफ स्टेजेस पर पे करता गया, वो एडजस्ट कर लिया। वो क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया। इधर लिख लो, एडवांस टैक्स पेड इज एडजस्टेबल। ठीक है मेरे बच्चों, एक और बात भी लिख सकते हो उसके अंदर, वो क्या? जब भी तुम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करोगे तो मेरे बच्चों जरा मुझे एक बात बताओ, कैसा हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा आ जाए? कैसा हो सकता है बॉटम लाइन में लॉस आ जाए? हो सकता है। तो वो नॉर्मल में ही हो सकता है, लिख लो। लॉस अंडर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम कैन अराइज, बेटा मेरी बात सुनो, मैं अगर किसी लहजे में किसी टोन में कोई बात कह रहा हूं तो मेरे पीछे उसको मिमिक नहीं करना कभी भी, ठीक है? इसलिए नहीं कि मैं माइंड करता हूं, इसलिए कि दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ टीचर और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो टीचर की डिसरिस्पेक्ट करता है ना
कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज के ऊपर वो इसके रिपरकशंस देख लेता है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कभी भी ऐसी कोई भी चीज जो आपके टीचर की डिसरिस्पेक्ट हो, उससे टीचर को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपको ही नुकसान पहुंचेगा, ठीक होगी बात। चल, लॉस अंडर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम कैन अराइज एंड इज एडजस्टेबल एज पर द एज पर लॉ। बस ये लिख लो, लॉस अंडर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि ये वाली जो अमाउंट है ना, ये वाली जो अमाउंट, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब ये बहुत टेक्निकल बात है, सर ये अमाउंट नेगेटिव क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, बताएं हमें, बताएं हमें, बताएं। नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये अमाउंट नेगेटिव नहीं आ सकती, टैक्सेबल इनकम वाली अमाउंट नेगेटिव नहीं आ सकती। या जो मैंने लेकिन पांच हेड्स ऑफ इनकम लिखे थे ना, उसमें रेवेन्यू लेस एक्सपेंस करके नेगेटिव आ सकता है, लेकिन सबको सम करके नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, ये बाद में बताऊंगा। तो मैंने लिखा क्या है, मैंने अल्फाज का चुनाव क्या किया है, लॉस अंडर रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम कैन अराइज एंड इज एडजस्टेबल एज पर द लॉ। ये किसमें होता है? ये नॉर्मल में होता है, नॉर्मल के अलावा कहीं नहीं होता, क्लियर है। तो हमने देखो नॉर्मल की खसूसियात समझ के लिख ली, और समझ के ऐसे लिखी कि अब तुमको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसिज अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम, डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउड होते हैं, टैक्स क्रेडिट अलाउड होता है, एडवांस टैक्स एडजस्टेबल होता है, और लॉस रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम में आ सकता है और एडजस्ट भी हो सकता है। चलो ये हो गई नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब आती है हमारे पास फाइनल डाल लो बच्चों, फाइनल टैक्स रिजीम। जी बेटा, मैंने आपको बोला ना, ये वो एफटी जो भी मैं आपको समझाने लगा हूं ना, एफटीआर, उसके अलावा जो इनकम होगी वो नॉर्मल, फिर इसकी एग्जांपल्स दोनों की एक साथ दूंगा, ठीक है। अभी मैंने ट्रीटमेंट बताया, ठीक है। अच्छा भाई, हेडिंग डाल ली सबने, फाइनल टैक्स रिजीम। टैक्स रेट कौन सा वाला होगा? स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डिनेंस, अलग टैक्स रेट होगा, नॉर्मल टैक्स रेट नहीं होगा, इसका टैक्स रेट स्पेसिफाई करेगा ऑर्डिनेंस। अच्छा, फिर टैक्स डिडक्शन स्लैश कलेक्शन एट सोर्स, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, इसकी एक एग्जांपल दी थी, क्या थी वो? एक्सपोर्ट सेल्स। अगर एक्सपोर्ट सेल्स एफटीआर में है तो नॉर्मल वाली सेल किसमें होगी? एनटीआर में होगी। बच्चे बात समझ आई आपको? मैंने कहा था कि जो एलिमेंट एफटीआर में है ना, ऑर्डिनेंस नाम से बताएगा, ये एफटीआर में, 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 उसके अलावा जितनी भी होगी वो कहां? नॉर्मल में।
ऑर्डिनेंस ने बताया एक्सपोर्ट सेल्स किसमें? एफटीआर में। तो लोकल सेल्स किसमें? एनटीआर में। ऑर्डिनेंस ने सैलरी पे कुछ नहीं कहा, एफटीआर में नहीं है, तो किसमें? एनटीआर में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एफटीआर में नहीं है, किसमें? खत्म। ठीक है, और फिर हमने सबकी अमाउंट ऐड करके टैक्स वैक्स निकाल के तो देख लिया। अच्छा, तो टैक्स रेट स्पेसिफाइड होगा, जैसे मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट सेल्स पर कितना बताया था मैंने? 1%। ठीक हो गई बात, ये एक एग्जांपल है। सर और कोई एग्जांपल दे सकते हैं एफटीआर की इनकम की? और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। अगली एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन डेट, लिख लो इसको प्यार से, हम पीओडी भी कहते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। क्या है ये प्रॉफिट ऑन डेट? क्या है डेट? मतलब कर्जा, प्रॉफिट मतलब उस पर दिया जाने वाला या लिया जाने वाला सूद। अगर मिसाल के तौर पर मैंने बैंक के पास पैसे रखवाए हैं सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए, और उस 10 लाख रुपए के ऊपर मुझे, अच्छा बेसिकली जब मैं बैंक के पास पैसे रखवाता हूं तो ये ऐसा ही है कि मैंने बैंक को क्या दे दिया? डेट दे दिया। बात आई समझ में? मैंने बैंक को डेट दे दिया, मुझे जो उस पर प्रॉफिट मिलेगा, मार्कअप मिलेगा, उसको ऑर्डिनेंस ने कह दिया प्रॉफिट ऑन डेट। तो मुझे जो बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रखने से जो सूद मिलता है, जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है, वो भी टैक्सेबल होती है अंडर फाइनल टैक्सेशन। क्या मतलब? अच्छा मतलब बताता हूं, इसका मतलब कि सर उसका टैक्स रेट क्या होगा? ऑर्डिनेंस ने स्पेसिफाई किया होगा अलग से, नॉर्मल नहीं होगा, अलग से स्पेसिफाई किया होगा, नॉर्मल नहीं होगा, अलग से कहीं ना कहीं स्पेसिफाई किया हुआ होगा। क्या बात समझ आती है? अच्छा दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स डिडक्शन कलेक्शन एट सोर्स। हमने कहा कि सर जैसे ही इनकम जेनरेट होगी, गर्मा गर्म इनकम जेनरेट होगी, गर्मा गर्म जैसे ही इनकम जेनरेट होगी फौरन से टैक्स काट लिया जाएगा। ठीक है, हमने देखा था एक्सपोर्ट के केस में, सर लोकल सेल के केस में, लोकल सेल के केस में मिसाल के तौर पर मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ हूं और मैं सेल कर रहा हूं, मैं एसी सेल कर रहा हूं किसी कस्टमर को, तो एसी सेल करूंगा तो कस्टमर पैसे किसको देगा? मुझे देगा ना, तो पैसे मेरे हाथ में आएंगे, तो चांस है कि मैं जेब में डालूंगा, घर ले जाऊंगा, अलमारी में रखूंगा, छुपा लूंगा। लेकिन अगर मैं इस एसी को एक्सपोर्ट करूंगा, तो एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे एलसी खुलवानी पड़ेगी, क्या ख्याल है? जब मैं एलसी खुलवाऊंगा और एक्सपोर्ट करूंगा तो पैसे कहां आएंगे? बैंक में, मेरी जेब में नहीं आए। जैसे ही टैक्स वाले को पता लगा कि गर्मा गर्म डॉलर कहां उतरने वाले हैं, बैंक में, उसने दूरबीन लगा के मेरे बैंक को नोटिस करना शुरू कर दिया। जैसे ही गर्मा गर्म प्रोसीड्स उतरेंगे ना, पहले टैक्स काट लेंगे, क्या ख्याल है? तो जिधर टैक्स वाले का बस चला उधर उसने अपना कुल्हाड़ा भी चला दिया, क्या ख्याल है? उसने बोला जैसे ही पैसे आएंगे हम 1% तुम्हारे पैसों में से डिडक्ट कर लेंगे, गर्मा गर्म प्रोसीड्स में से। ठीक हो गई बात, इसको कहते हैं टैक्स एट सोर्स कलेक्ट कर लिया, एट सोर्स, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन कलेक्ट हो गया, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन कलेक्ट हो गया। और जो एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन कलेक्ट हो गया वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब हम उसके अलावा आपसे मजीद टैक्स का मुतालबा नहीं करेंगे। अब अगर साल के आखिर में आपकी इनकम आ गई 10 करोड़, अब हम उस 10 करोड़ के ऊपर आपसे मजीद टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कह दिया कि जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आएंगी 1% आप हमें चुपचाप खामोशी के साथ हमारा हिस्सा दे दो, अब हम मजीद आपसे मुतालबा नहीं करेंगे। लेकिन ये किसके साथ है? बात आई समझ में? मिक्सअप नहीं करना, यानी कि अगर मैं इस एसी को लोकली भी किसी को सेल करता हूं और एक्सपोर्ट भी करता हूं तो मुझे 2 PNL बनाने पड़ेंगे, बेसिकली एक्सपोर्ट वाला अलग जिसके ऊपर मेरा टैक्स रेवेन्यू के ऊपर कट जाएगा 1%, और अलग नॉर्मल वाला अलग जिसको मुझे नॉर्मल इनकम में शो करना पड़ेगा, क्या ख्याल है?
तो एक्सपोर्ट अलग चीज अलग है, इसका नाम है एक्सपोर्ट सेल्स, को मिक्सअप मत करना, ठीक हो गई बात। पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल प्रॉफिट ऑन डेट, जब आपने पैसे रखवाए बैंक के पास, सर्टिफिकेट्स बना लिए, नेशनल सेविंग के अंदर आपने पैसे रखवा दिए, अब वहां से सूद मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट इनकम मिल रही है आपको। कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नोट किया है 15% का टैक्स कट के मिल रहा होता है, नोट किया, किसी ने नोट किया, आपने नोट किया, अच्छा तो कभी नोट करना। कभी अगर आपके अम्मा अब्बा ने कभी इस्लामिक बैंक के अंदर भी अगर पैसे रखवाए हुए हैं या कन्वेंशनल बैंक के अंदर उनका सेविंग अकाउंट है, तो जो भी इंटरेस्ट उनके बैंक अकाउंट में गिरता है ना, मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट गिरा 1,00,000 रुपए का, तो पहले 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। बेसिकली बैंक स्टेटमेंट बैंक के पर्सपेक्टिव से होती है कि हमारे लिए क्रेडिट है, ठीक है, तो 1,00,000 रुपए का पीओडी गिरता है और फिर उसमें से 15,000 रुपए का टैक्स लेस हो जाता है, ठीक है, और आपके बैंक अकाउंट में मिलता कितना है, यानी कि जैसे ही 1,00,000 रुपए का गर्मा गर्म प्रॉफिट ऑन डेट जेनरेट हुआ, आपके हाथ में भी नहीं है 1,00,000 रुपए और बैंक ने पहले क्या काट लिए, तो देखो हाँ बैंक कलेक्टर के एफबीआई को जमा करा देंगे। तो देखो जहां जहां टैक्स वाले का बस चल रहा है, जहां जहां उसको आसानी लग रही है, वहां वहां वो क्या कर रहे हैं, गर्मा गर्म जैसे ही इनकम जनरेट हो रही है ठप करके टैक्स काट के अपना खजाना पहले भरो, साल का इंतजार नहीं करने का। बात समझ आती है? तो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर भी जो टैक्स कटता है वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, साल के आखिर में टैक्स वाला आपसे मजीद टैक्स नहीं मांगेगा, ठीक है बात। अंटिल एंड अनलेस बैंक ने गलत टैक्स काट लिया या बैंक ने कम टैक्स काट लिया तो देना पड़ेगा, अदरवाइज टैक्स वाला आपसे दोबारा टैक्स नहीं मांगेगा, ठीक है। तो 99% केसेस में 15% लग रहा होता है, लेकिन इसकी भी सीढ़ियां बनी हुई है कि इतने से ज्यादा होगा तो 17.5%, इतने से ज्यादा सूद होगा तो 20%, इसकी भी सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन आमतौर पर 99% केसेस में कितना लग रहा होता है, 15% ही लग रहा होता है। बच्चा आपका सवाल था कोई, हो गया क्लियर, हो गया सवाल, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा तसल्ली से सुनोगे तो कोई सवाल होगा तो क्लियर हो जाएगा। बोलो बच्चा, जितना आएगा उस पर टैक्स लगेगा, बस 9 करोड़ माफ नहीं आएगा तो सही ना, कभी 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 ना कभी तो आएगा, अगर ना मंगवाओ तो माफ नहीं है फिर टैक्स। देखो मेरी बात सुनो, आपने एक्सपोर्ट करी, एलसी खुलती है, एलसी खुलती है का मतलब है कि पैसा पाकिस्तान में आना है, एलसी क्लोज भी तो होगी, बैंक वाला पागल थोड़ी बैठा हुआ, मैं यू कुछ भी कर लू, यू भी कर लू, वो भी कर लू, एलसी नहीं खुली तो फिर तो वो आपने इलीगल चैनल के थ्रू एक्सपोर्ट किया ना मेरे बच्चे, इलीगल चैनल तो फिर इलीगल चैनल है ना, फिर तो हवाले के थ्रू पैसा मंगवाओगे, हवाला हुंडी छुपा लोगे फिर पैसा, तो छुपा तो फिर कुछ भी सकता है ना बंदा। अच्छा और कोई सवाल किसी का बेटा, यहां तक एक और इनकम होती है, मैं उसका नाम लेते हुए डर रहा हूं क्योंकि आप लोग थोड़े से डिविडेंड, किसने डिविडेंड का नाम सुना हुआ है, अच्छा सॉरी किसने डिविडेंड का नाम नहीं सुना हुआ, चलो ठीक है मैं एग्जांपल दे देता हूं, नहीं समझ आया डिस्काउंट कर देना बाद में समझाऊंगा तुमको, ठीक है। वही बात डिविडेंड बोलते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा किसी कंपनी में शेयर ओनरशिप, शेयर कहते हैं ओनरशिप को, मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर लिए हैं, 100 शेयर लिए हैं, वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो बेसिकली प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कहलाती है, ठीक है बच्चे इतना समझ लो बस बहुत है। जिस तरह इंडिविजुअल के लिए प्रॉफिट का निकालना ड्रॉइंग्स कहते हैं ना हम, उसी तरह शेयर होल्डर भी तो ओनर होता है ना, लेकिन वो नन्ना मुन्ना सा ओनर होता है, छोटा सा ओनर होता है वो। तो जब कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और अपने ओनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, मिसाल के तौर पर मेरे 1,000 शेयर्स हैं और कंपनी ने बोला जितने शेयर जिसके पास होंगे हर शेयर होल्डर को 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 2,000 का कीमती अमाउंट मिलेगा, लेकिन ये 2,000 का कीमती अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं गिरेगा। कंपनी वाले पहले कहेंगे रुक जा भाई
पहले इसमें से 15% टैक्स काटने दे, कितना बना? तीन हजार। 2000 पे 15% 3000 बनेगा। कौन है? अच्छा, 2000 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, कंपनी पे जिम्मेदारी है। तुम देख रहे हो टैक्स वाला कितना शातिर है, बंदूक और गन उसकी कनपट्टी पे रखता है जिधर से टैक्स कलेक्ट करना बहुत आसान है। उसने कंपनी, अब जाहिर सी बात है कंपनी तो इज अ रेगुलेटेड स्ट्रक्चर, कंपनी कोई थोड़ी गली में खुला हुआ ठेला है या छोटी सी दुकान है। कंपनी इज अ लीगल स्ट्रक्चर जो SECP के साथ रजिस्टर होता है। सारा रिकॉर्ड किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। कौन कंपनी है? सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट SECP को सबमिट होती है। तो हमने कहा कंपनी ने डिविडेंड दिया कितना? 2 रुपए पर शेयर। यानी कि सर मेरे अकाउंट में 2000 आने चाहिए थे, 2000 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 300 रुपए का टैक्स कटेगा। गर्मा गर्म 2000 की इनकम पे 300 रुपए का टैक्स कट गया। और कहां से लग गया? FBR ने बोला कंपनी की कनपट्टी पे बंदूक रखे, अगर तूने डिविडेंड दिया तो तुझे 15% टैक्स काट के हमें जमा कराना है, वरना आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो जैसे ही गर्मा गर्म मेरी डिविडेंड इनकम जनरेट होगी, कंपनी एट सोर्स एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन प्रोसीड्स के ऊपर 15% का टैक्स काट लेगी। और किसके पास जमा करा देगी? FBR के पास जमा करा देगी। सर ये तो ज्यादती की बात नहीं है, ना इंसाफी है सर, क्योंकि देखें ये तो रिसीट्स हैं। ये क्या? ये तो रिसीट्स हैं। आपने तो कहा था रिसीट्स में से एक्सपेंसेस भी लेस होते हैं। आपने कहा था टर्नओवर में से, रेवेन्यू में से, रिसीट्स में से एक्सपेंसेस भी लेस होते हैं फिर इनकम आती है। ने कहा हाँ हमने कहा था, लेकिन इनकम की डेफिनेशन याद है तुम्हें? एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर इंडिया। बेसिकली देखा जाए तो ये इनकम है नहीं, ये तो प्रोसीड्स है, ये तो डिविडेंड प्रोसीड्स है। प्रॉफिट ऑन डेट का जो पैसा मिला था 1,00,000 रुपए, ये इनकम थोड़ी है, ये तो इंटरेस्ट की प्रोसीड्स हैं। इसमें से एक्सपेंसेस लेस हो सकते हैं क्या सर? टैक्स वाला अलाउ नहीं करता, लेकिन लॉजिकली सोचो तो क्या एक्सपेंसेस कोई लेस होने चाहिए इसमें से? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? मैं बैंक गया जेब में 1,00,000 रुपए लेके, अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके, रस्ते का पेट्रोल लगा सर 1,000 रुपए, वो एक्सपेंस कौन देगा? क्या ख्याल है? मैं बैंक में बैठा, पैसे डिपॉजिट किए, उसके बाद वापस घर आया, 1,000 रुपए फिर पेट्रोल लगा, 2,000 रुपए का तो पेट्रोल लगा है। ये सूद कमाने के लिए मैं जब पैसे बैंक में रखने गया तो मेरी गाड़ी का 2,000 रुपए का पेट्रोल जलाए, सर पहले वो एक्सपेंस तो लेस करें इसमें से। मैं कहा नहीं, जो FTR के अंडर इनकम फॉल करेगी उसमें से एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। तो उधर अगला पॉइंट हाथों हाथ लिख लो, क्या? एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। कौन सा वाला मेरे बच्चे? एक्सपेंस वाला। तो एक्सपोर्ट सेल में भी एक्सपेंस नहीं अलाउड, हमने सेल पर 1% माना था। देखो मेरे बच्चे, FTR की इनकम में, अब मैं पहले पॉइंट लिख लो फिर मैं दोबारा समझाता हूं। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि टैक्स वाला FTR की इनकम में से कोई एक्सपेंस लेस करने नहीं देगा। जैसे हमने देखा था एक्सपोर्ट की सेल जाई, बैंक में गिरी, गर्मा गर्म प्रोसीड्स पे 1% कट गया, फुल एंड फाइनल। अब टैक्स वाला बोलता है इसमें से हम तुझे एक्सपेंसेस ज्यादा हो कम हो, प्रॉफिट आए लॉस आए, हमारी बला से हम तो प्रोसीड्स पर 1% का टैक्स लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। इसी तरह से जब आपका प्रॉफिट ऑन डेट जनरेट हुआ, इंटरेस्ट जनरेट हुआ 1,00,000 रुपए का,
बैंक के सर्टिफिकेट पर लाख रुपए का सूदी इनकम जनरेट हुई, बैंक ने क्या किया उस पर 15% का टैक्स काट लिया 15,000 रुपए। लेकिन क्या ये लाख रुपए इनकम है? हमने कहा सर इनकम तो आती है एक्सपेंसेस लेस होके। अभी मैंने सारे हेड्स ऑफ इनकम बनाए थे ना, रेवेन्यू में से क्या लेस किया था मैंने, रिसीट्स में से क्या लेस किया था मैंने, एक्सपेंस। मैंने कहा कि ये रिसीट्स लाख रुपए की तो है, लेकिन इसके अंदर टैक्स वाला ये नहीं कह रहा कि अपने एक्सपेंसेस को लेस कर लो, करना है तो टैक्स वाला इतना अच्छा नहीं है। टैक्स वाला कहता है एक्सपेंसेस लेस नहीं करने दूंगा मैं। सर क्या इसमें से कोई एक्सपेंस लेस हो सकता है? होना चाहिए। मैंने ऐसी मिसाल दे दी, मैंने कहा कि जब मैं ये पैसे बैंक जमा कराने के लिए जा रहा हूं, मेरी गाड़ी का पेट्रोल लगा, हो सकता है बैंक दूर हो, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, ड्राइव की, गाड़ी का पेट्रोल लगा, हो सकता है मैं कहूं यार ये 1,00,000 रुपए तो मैंने कमाए, लेकिन इसके लिए मैंने 2,000 रुपए का पेट्रोल भी तो खर्च किया। क्या ख्याल है, उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करने दो? तो एक्सपेंसेस लेस, टैक्स वाले बोलेगा ये टोपी ड्रामे हमारे सामने नहीं करो, हम आपको इसमें से कोई एक्सपेंस लेस करने। ये तो मैंने आपको बच्चों वाली मिसाल दी थी, थोड़ी सी आ जाओ एडवांस लेवल की मिसाल समझ आ जाए। तो ये लाख रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाए, मिसाल के तौर पर मैंने इस भाई से उधार लेके करवाया, क्या नाम है तुम्हारा, रजा, मैंने रजा से ये लाख रुपए उधार लेके डिपॉजिट करवाए, सॉरी लाख रुपए नहीं 10,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए मैंने रजा से उधार लिए और मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। रजा ने कहा कि सर आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा कितना देना पड़ेगा? 5-6% देना पड़ेगा सर। कितना देना पड़ेगा? 6%। मैंने रजा से 10,00,000 रुपए लिए और बैंक में जाके जमा करा दिए, बैंक मुझे कितना दे रहा है? 10%। मैंने वो पैसे रजा से लेके कहां डिपॉजिट करा दिए? बैंक में। बैंक ने मुझे कितनी इनकम जनरेट करके दी? 10,00,000 का 10% कितना बना? 1,00,000। लेकिन मेरा एक्सपेंस भी तो है, मुझे रजा को कितने देने? 60,000। तो सर उसूलन क्या करना चाहिए मुझे? उसूलन तो सर मुझे लाख में से 60,000 लेस करनी चाहिए, ये मेरा एक्सपेंस भी तो है। लेकिन टैक्स वाले बोलेगा कोई टोपी ड्रामे नहीं चलेंगे हमारे साथ। तो ये थोड़ी ढंग की मिसाल थी एक्सपेंस की। क्या बात समझ आती है आपको? Yes, सबको गुड। एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, एफटीआर की इनकम में से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। अब आप देख रहे हो टैक्स वाले का, जहां आसानी से बस चल रहा है, जहां पर बस भी चल रहा है, ट्रक भी चल रहा है, कोलाड़ा भी चल रहा है, वहां पर वो क्या कर रहे हैं? बोले भाई ज्यादा सवाल जवाब हम नहीं करेंगे आपसे, टकाटक गर्मा गर्म प्रोसीड्स के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स अप्लाई होगा और वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अच्छा भाई इसकी लॉजिक क्या हुई? इसकी लॉजिक ये हुई कि टैक्स वाला अपने लिए सर्टेनिटी चाहता है। सुनिएगा जरा, बड़ा वैलिड सवाल पूछा खातून ने। फिर इसकी लॉजिक क्या हुई, ऐसा क्यों कर रहा है टैक्स वाला? मैंने आपको जब एक्सपोर्ट एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको मिसाल दी थी, मैंने कहा था 1% का एडवांस टैक्स कटता था, साल के आखिर में सब लॉस दिखा के क्या क्लेम कर लेते थे? रिफंड क्लेम कर लेते थे। ठीक है, इसी तरह से हम अगर हर बंदे से पूछेंगे बताओ तुम्हारे एक्सपेंसेस क्या है, तो वो तो जाली एक्सपेंसेस भी डाल देगा। ठीक है, तो ऐसे रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट्स, ऐसे टैक्स कलेक्शन के पॉइंट्स जो टैक्स वाले के लिए इजी टारगेट हैं और टैक्स वाला वहां से आसानी से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, टैक्स जनरेट कर सकता है, वहां वो कहता है यहां पर मैं एक्सपेंस की कोई फटीक नहीं पालूंगा। टैक्स के अंदर आपको जगह जगह ऐसा लगेगा कि टैक्स वाला डंडा लेके खड़ा हुआ है और सर पे मार रहा है हथौड़ा, लाओ टैक्स। बहुत प्यारा सवाल है तुम्हारा, इस सवाल को आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। गलत है ये, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ये, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक्स का पेपर तुम्हारा पास था या पास नहीं था? एग्जाम्ड हो गया। ठीक है, इसका इस सवाल का जवाब दूंगा मैं, अभी नहीं दूंगा बाद में दूंगा। ठीक है, बेसिकली पूरी इकोनॉमिक्स की साइकिल, तुम्हारा सवाल वैलिड है लेकिन
भाई का सवाल ये है कि सर कंपनी ने जब अपना प्रॉफिट अर्न किया होगा तो टैक्स दिया होगा। अब कंपनी वही प्रॉफिट अर्न किया हुआ प्रॉफिट टैक्स पेयर को दे रही है, फिर टैक्स लग रहा है, ज्यादती नहीं है ये? इकोनॉमिक्स में जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगता है, हर स्टेज के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, हर 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 स्टेज के ऊपर टैक्स लगता है। इसी तरह तो इस तरह तो कंपनी ने भी जो इनकम अर्न की उस पर टैक्स दे दिया, अब वो सैलरी इंप्लॉय को दे रही है, फिर इंप्लॉय भी टैक्स ना दे, समझ रहे हो? इकोनॉमिक हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा, वरना हुकूमत के पास पैसा कहां से जनरेट होगा? सिर्फ एक दफा जनरेट होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन पे, फिर हुकूमत तालियां बजाएगी, लेकिन गवर्नमेंट कैसे चलेगी भाई? हमारे हाथ खाली है, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ठीक है, एक्सपेंसिस नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, बट टाइम बाकी ना भी हमारा क्लास में, अभी तो बहुत टाइम है, प्लीज। डिडक्टेबल अलाउंसेस नॉट अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंसेस नॉट अलाउड, लिखो जल्दी जल्दी लिखो मेरे बच्चों। टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स वाला कह रहा है कि ये वाली इस वाली इनकम पर मैली आंख से देखना मत, तुम लोग कुछ भी अलाउ नहीं करूंगा मैं। टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड, लॉस कैन नॉट अराइज। सर जब एक्सपेंस अलाउड ही नहीं है, जब एक्सपेंस ही अलाउड नहीं है तो लॉस अराइज हो सकता है? लेकिन फिर भी लिख लो, और ये भी लिख लो, आखिरी वाले भी लिख लो, एडवांस टैक्स पेड इज नॉट एडजस्टेबल, एडवांस टैक्स पेड इज नॉट एडजस्टेबल। एडवांस टैक्स पेड इज नॉट एडजस्टेबल, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ हाँ बेटा, एफटीआर का पार्ट चल रहा है। छवि और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, बस ठीक है, ये बोलो बेटा। होता है, मिसाल के तौर पर मैंने शेयर लिए हुए कंपनी के, ठीक है, और मेरे पास डिविडेंड आया, 2000 रुपए का डिविडेंड आ रहा मेरे पास, 2000 रुपए टैक्स कितना बनेगा? 300। तो उसूलन सर कंपनी को फोन करना चाहिए, हेलो मुनीर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी सर बिल्कुल ठीक, हम आपका 300 रुपए टैक्स काटने लगे हैं, क्या आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, आप कैसे काट सकते हैं टैक्स, क्यों नहीं काट सकते? अरे मैंने मोबाइल के कार्ड रिचार्ज करे, उस पर इतना टैक्स कटा हुआ है, 300-250 रुपए तो वहां पर कटा है मेरा टैक्स। अच्छा आपका टैक्स पहले कट चुका है, चलो ठीक है हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, तो 300 में से 250 एडजस्ट कर लेते हैं, हम आपको 50 रुपए टैक्स काट रहे हैं, इज इट ओके टू यू नाउ? परफेक्ट परफेक्ट, 50 रुपए टैक्स काट लो, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। कंपनी 2000 देने से पहले मुझे 300 रुपए का टैक्स काट लेगी, कंपनी बोलेगी तूने कहीं एडवांस टैक्स पे किया है मेरी बला से, मुझे टैक्स वाले ने बोला है पूरा टैक्स काट के जमा कराना, जो तूने एडवांस टैक्स पे किया है वो एडजस्ट रिफंड होना होगा, तो बाद में रिफंड होगा लेकिन एडजस्ट नहीं होगा इसके अंदर, फिर मेरा एडवांस टैक्स मैं रिफंड कराऊं अगर है इतना तो। जी बेटा, रिफंड अगर कोई ना कराना चाहे तो कैरी फॉरवर्ड करा, हो जाता है बिल्कुल हो जाता है बेटा, ठीक है। जो छोटे मोटे रिफंड होते हैं वो तो वैसे ही नहीं होते, देखो अभी तो जब हम जैसे जैसे टैक्स की दुनिया में आगे बढ़ेंगे ना, टैक्स वाले का मकरूह चेहरा भी आपके सामने लेकर आएंगे हम। रिफंड करवाना, टैक्स वाले की जेब से पैसे निकलवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। बहुत टेक्निकल सवाल है तुम्हारा, बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल है। कभी किसी के पास अगर टाइम हो, अपना नहीं, कभी अपना एनटीएन रजिस्टर नहीं कराना गलती से, अपने अब्बा का एनआईसी डालना, एफबीआर मालूमात पोर्टल पे जाना, एफबीआर मालूमात पोर्टल पे जाना, अपने अब्बा का एनआईसी डालना और सारी डिटेल आ जाएगी तुम्हारे पास, तुम्हारे अब्बा ने मोबाइल के कार्ड कितने डलवाए, उस पर टैक्स कितना कटा, कहाँ कहाँ बैंक में पैसे पड़े हैं उस पर टैक्स कितना कटा, पैसे नहीं आएंगे, जहां जहां बैंक वाले ने टैक्स काटा वो सारा आ जाएगा टैक्स, तुम्हारे अब्बा ने गाड़ी का टैक्स जमा कराया नहीं कराया वो भी आ जाएगा उसके अंदर,
जो एयर ट्रेवल किया उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स कटा वो भी आ जाएगा, एफबीआर मालूमात पोर्टल पे सब आ जाता है। ठीक है, जो बैंक से ट्रांजेक्शन होगी उसी का आएगा, जो बैंक से ट्रांजेक्शन होगी और जिसका टैक्स जमा हुआ होगा वही आएगा, जो हुकूमत के पास टैक्स जमा हुआ होगा ना वही आएगा। तो एडवांस टैक्स भी तो वही क्लेम करेंगे ना जो हुकूमत के पास जमा हुआ हुआ है, जो ख्यालों में है वो थोड़ी क्लेम करेंगे हम। क्या ख्याल है? जब बैंक से कुछ भी ना करोगे तो एडवांस टैक्स भी तो नहीं होगा ना। उसका सवाल ये है कि एडवांस टैक्स कैसे पता लगेगा कि कितना है? नहीं है, यही तो मसला है। मोबाइल का जो तुमने कार्ड लिया, बच्चे का सवाल अच्छा है। अब ये देखो, सवाल बहुत सारे होंगे, इसको इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जवाब दूंगा, इसका आखिरी जवाब दे दूं मैं। मोबाइल का जो आप लोग कार्ड डलवाते हैं, ये मोबाइल की सिम, मिसाल के तौर पर मेरी मोबाइल की सिम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरे अब्बा की सिम भी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरी बेगम की सिम भी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मिसाल दे रहा हूं आपको, तीन सिम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। अब जब भी उसमें 500-500 रुपए का कार्ड डलेगा, जितना टैक्स होगा वो यू फोन मेरे नाम पर एफबीआर को जमा कराएगी, क्योंकि तीनों सिमें मेरे नाम पर है। अब जब मैं मालूमात पोर्टल पर अपना सीएनआईसी डालूंगा तो उस पर लिखा हुआ आएगा कि इतना इतना टैक्स मेरे नाम पर यू फोन ने एफबीआर को जमा करा दिया। क्लियर है? चलो अब बाकी के सवाल वक्तन फवक्तन में एड्रेस करता रहूंगा, समेटना उमेटना नहीं है, अभी पूरे 5 मिनट बाकी। अच्छा भाई, नहीं बेटा नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, हमने मिनिमम टैक्स पढ़ लिया, सॉरी कहाँ मिनिमम टैक्स, कहाँ पढ़ा अभी, कहाँ पढ़ा मिनिमम टैक्स, नॉर्मल टैक्स पढ़ लिया, फाइनल टैक्स रिजीम पढ़ लिया हमने। अच्छा फिर एक होता है, ना 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 ऑफ नहीं बेटा, ऑफ नहीं, समझा करो ना बेटा, अभी इतना सारा कोर्स है कैसे होगा। अच्छा चलो बेटा, सुन लो, फिर तुम लोगों की खातिर मैं ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और कल तो नहीं है क्लास हमारी, मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास है, टाइम टेबल आप लोग देख लेंगे, उम्मीद करता हूँ मंडे को, जहां तक मेरा अंदाज है सुबह 10 बजे क्लास है, और 10 बजे पहुंच जाना। वैसे आपको पता होगा मैं क्लास रखता हूँ 9:15-9:30, ये मैंने 10 बजे रखी है क्लास इसलिए क्योंकि आप लोग 9:55 पे बैठे हुए होंगे यहाँ पे, ठीक है, मेरे आने से 5 मिनट पहले आ जाना, 10 बजे क्लास हम शार्प स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट, मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।